गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स। टुडे आई एम टीचिंग अबाउट एस्टिमेशन। एस्टिमेशन टू अंडरस्टैंड एस्टिमेशन फर्स्ट वी स्टडी अबाउट round of a number to understand estimation first we study about round of a number to the nearest 10, 100 thousand 10,000 इटीसी। यानी एस्टिमेशन को समझने से पहले हमें यह समझना है कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, क्योंकि पहले भी आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेज में भी था। राउंडिंग ऑफ मतलब होता है कि नियरेस्ट यानी अप्रोक्सीमेटली लगभग, जब किसी नंबर को हम लोग बोलते हैं, जैसे देश के पॉपुलेशन के बारे में बोला जाता है, तो चाहे पॉपुलेशन कितनों हो उसको हम लोग डायरेक्ट मिलियन या बिलियन में बोल देते हैं। गांव की जनसंख्या कितना भी हो उसको हम लोग हजार में या लाख में बोल देते हैं। शहर के जनसंख्या को हम लोग लाख में या करोड़ में बोल देते हैं डायरेक्ट, उसको हम लोग छोटे नंबर्स को नहीं बोलते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं राउंडिंग ऑफ, राउंड फिगर। अगर कोई व्यक्ति इफ ए मैन अर्न्स रुपीज 7,989, अगर कोई व्यक्ति जो है पर मंथ 7,989 कमाता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि आप कितना कमाते हैं, कितना अर्न करते हैं, तो वह 7,989 नहीं बोल करके वह राउंड फिगर में राउंडिंग ऑफ करके सीधे डायरेक्ट वह बोल देता है कि हम जो है 8,000 रुपीज कमाते हैं। इसी को कहते हैं राउंड ऑफ, राउंड फिगर में इतना ना बोल करके लगभग 8,000 वह बोल देता है कि लगभग हम 8, क्योंकि 8,000 के नजदीक में है, इसलिए वह डायरेक्ट जो है 8,000 बोल सकता है या बोलता है। इसी को हम लोग कहते हैं राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ हम लोग बनाते कैसे हैं, इसको समझते हैं। राउंडिंग ऑफ बनाने के लिए आपको इसको समझना होगा, जैसे यह एक हिल के जैसा स्ट्रक्चर बना दिए हैं, इस पर कुछ नंबर को दिखाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
7, 8, 9 and 10, यहाँ 0। तो अगर इधर से चला जाए तो बॉल को हम लोग, कोई बॉल को यहाँ रखें या यहाँ रखें या यहाँ रखें, तो 1, 2, 3, 4 प्लेस तक अगर रखते हैं, 4 तक, तो चूंकि ढलान है इसलिए लुढ़क करके वापस जो है वह 0 पर आ जाता है। लेकिन अगर ऊपर वह चढ़ गया, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो अब वह नंबर आगे की ओर, वह बॉल जो है आगे की ओर जाएगा। यानी कि अगर 0 है, 1, 2, 3, 4 या 0 है, तो राउंडिंग ऑफ करते समय 0 हो जाएगा केवल, जिस डिजिट का हम लोग राउंड राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके राइट साइड वाला जो डिजिट है वह 0 हो जाएगा। और अगर 5, 6, 7, 8, 9 है, उसमें भी राइट साइड वाला डिजिट जो है 0 हो जाएगा, लेकिन जिसका राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें +1 हासिल के रूप में आ जाएगा। यानी 10 के 0, बाकी हासिल 1, और इसमें 0 केवल रह जाए। जैसे एग्जाम्पल में समझाते हैं, कोई नंबर लेते हैं राउंड ऑफ 7, 2, 8, 3, 9 टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000 एंड 10,000। यानी ये जो नंबर है उसको, दिए हुए नंबर को 10, 100, 1000 एंड 10,000 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है। तो सोल्व में आएगा, सेवन टू एट थ्री नाइन इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट। पहला नंबर आपको दिखाना है 10, दूसरा नंबर में दिखाना है 100, तीसरा नंबर में 1000, एंड चौथा नंबर में 10,000। इसमें चूंकि एक ही नंबर को हम लोग अलग अलग प्लेस पर जैसे इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से हम आपको इसको बता रहे हैं। सबसे पहले 10 पर राउंड ऑफ करना है, तो 10 पर वंस 10, 10 पर डिजिट है 3, और 3 के राइट साइड में 9 है जो कि यहाँ पर आता है। 9 है राइट साइड में, 3 के राइट साइड में 9 है जो कि यहाँ आता है। यानी कि 9 जो है वह 10 में बदल जाएगा, यानी 9 जो है 10 में बदलेगा तो 10 की 0 हो जाएगा, और बाकी जो हासिल आया वह 3 में ऐड हो जाएगा। बाकी जो हासिल आया वह 3 में ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 +1 यानी कि 4,
और बाकी जो लेफ्ट साइड में नंबर्स बच गए उन सभी को हम लोग लिख देंगे। ये हो गया राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10। सेकेंड में राउंड ऑफ करना है 100 पर, इसको हटा देते हैं। 100 पर कौन सा डिजिट है सबसे पहले देख लेते हैं। वंस टेन हंड्रेड, 100 पर 8। अब 8 के जस्ट राइट में क्या है, पूरा नहीं देखना है कि 3 या 9 दोनों है, जस्ट राइट केवल देखना है। तो जस्ट 8 के जस्ट राइट में 3 है जो कि यहाँ पर आता है, यानी कि यह 0 हो जाएगा। 3 जो है 0 हो जाएगा और हासिल इसमें है नहीं, इसलिए 8 की 8 रहेगा और साथ में 7 2, और एक यहाँ पर जो 9 है वो भी 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ बढ़ेगा नहीं, इस तरफ 2 डिजिट है इसलिए 2 2 0 देंगे, राइट साइड में 2 डिजिट होने के कारण, और लेफ्ट साइड में 2 डिजिट है उसको भी लिख देंगे और 8 के 8 रह जाएगा क्योंकि हासिल इसमें नहीं आता। ये हो गया राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। नेक्स्ट है राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। 1000 पर कौन सा डिजिट है वो देखते हैं। वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड, 1000 पर 2 है। 2 के जस्ट राइट में 8 है जो कि यहाँ पर है 8, तो वह जो है 8 जो है किसमें बदल जाएगा, 10। तो 10 की 0, बाकी हासिल 1, तो 1 जो है 2 में जुट जाएगा, 1 जो है यहाँ 2 में जुटेगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। इस तरफ 3 डिजिट टोटल है, 1 2 3, इसलिए राइट साइड में 3 डिजिट्स हैं इसलिए 3 0 दे देंगे और लेफ्ट साइड में 7 है। ये हो गया राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। नेक्स्ट है 10000 पर राउंड ऑफ करना है, उसको भी उसी तरह देखेंगे। वन टेन हंड्रेड थाउजेंड 10000, 10000 पर 7 है। 7 के जस्ट राइट में 2 है जो कि यहाँ आता है, 0 हो जाएगा और हासिल नहीं है इसलिए 7 के 7 रह जाएगा। राइट साइड में 1 2 3 4 डिजिट्स हैं इसलिए 4 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग राउंडिंग ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट 10000, 1000 एंड 10000 के बारे में आप लोग को बताएं। ऐसे आप लोग इसको जानते होंगे, इसमें कई निकालने थे इसलिए इसको जो है हमने एक ही एग्जाम्पल में बता दिया। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें राउंडेड ऑफ सेवन टू फाइव टू द नियरेस्ट 10 इज इक्वल टू, यानी 725 को जब 10 के नियरेस्ट राउंड ऑफ करते हैं तो कितना आता है। तो यहाँ पर देखते हैं वंस टेंस, टेंस पर 2 है, 2 के जस्ट राइट में 5 है। तो जैसा कि पहले बताया 5 जो है 10 में बदल जाएगा, तो 10 की 0 हो जाएगा, बाकी हासिल 1, 1 इस पे आके जुट जाएगा यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7, राइट साइड में 1 अंक है इसके 1 0। इस तरह से और भी नंबर्स को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं।
हैं। अब इस्टीमेशन के बारे में जानते हैं। इस्टीमेशन इस्टीमेट का मतलब क्या होता है? इस्टीमेशन गिव्स ए रफ आइडिया, गिव्स ए रफ आइडिया ऑफ द आंसर टू ए क्वेश्चन, आंसर टू ए क्वेश्चन इन्वॉल्विंग ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। एस्टिमेशन जो है एक रफ आइडिया प्रस्तुत करता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए जो नंबर से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल में एस्टिमेट द सम, एस्टिमेट द सम एट्टी फाइव प्लस सिक्सटी थ्री टू द नियरेस्ट 10। इसको एस्टिमेट करना है, ये जो सम है इसको हमें 10 पर एस्टिमेट करना है। तो इसको एस्टिमेट करने के लिए इसको दो तरीका से आप बना सकते हैं। पहला तरीका सेकेंड नंबर में, इसमें वर्ड में लिख करके बना सकते हैं, एस्टिमेट एस्टिमेटेड 85 टू द नियरेस्ट 10। अगर 10 पर एस्टिमेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये एस्टिमेट मतलब राउंड ऑफ कर देंगे, 85 है, 5 है तो ये 90 हो जाएगा। एस्टिमेटेड 63 टू द नियरेस्ट 10, तो 63 को एस्टिमेट करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और इसलिए एस्टिमेटेड सम कितना हो जाएगा, तो 90 प्लस 60 बराबर 0, 100 फीट, ये हो गया। और दूसरा हो गया, आप ऐसे भी बना सकते हैं, नियरेस्ट 10, 10 पर इसको नियरेस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 90 प्लस 60 बराबर 150, आंसर लिख देंगे। इसलिए एस्टिमेटेड सम इज इक्वल टू 150। ये दो तरीका से आप बना सकते हैं, इसमें वर्ड में लिख करके बना सकते हैं, और ये जो है ज्यादा से ज्यादा फिगर में लिख करके बना। इस तरह से आपको एस्टिमेटेड डिफरेंस भी आएगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी आएगा, एस्टिमेटेड डिवीजन भी आएगा। इस तरह से सभी को आप लोग जो है इस तरह से बना सकते हैं। आप लोग के लिए आज का
लेसन एक्सरसाइज 1D के लिए है, HW एक्सरसाइज 1D। वन टू 31 कंप्लीट कर लेना है। हाँ, एक चीज और बताने के लिए आप लोग को भूल गए कि आप लोग को एक्सरसाइज 1C जो है वह केवल वर्ड प्रॉब्लम, अतः स्कूल के आदेशानुसार 1C को अभी छोड़ दिया गया है, क्योंकि यह वर्ड प्रॉब्लम है। जब स्कूल खुलेगी तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।